बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्यूटर साइंस क्लास सेकंड ईयर लेक्चर 41। आज हमने इसमें पढ़ना है हाउ वुड यू क्रिएट एडिट कंपाइल लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं, उसका इंटरफेस में फाइल कैसे बनती है, सेव कैसे होती है, उसको कंपाइल कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आज हमने उसके बारे में थ्योरेटिकली तौर पर पढ़ना है। नेक्स्ट फिर आगे जब प्रोग्रामिंग का हम स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे टाइप करना होता है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पर आपको लेक्चर के साथ साथ उसको प्रोग्राम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रोग्राम टाइप करके उसको साथ एग्जीक्यूशन भी बताएंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम। एग्जीक्यूशन साइकिल का जो इमेज है वो आपने इसमें तो दो बार आपको लेक्चर में नजर आएगा, लेकिन आपने एक बार उसको ड्रा करना है इस क्वेश्चन के साथ। तो इसके एग्जीक्यूशन साइकिल में पहले सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड जब कंपाइल होता है तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट कोड। फिर ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर जो है वो लिंक करता है किसको, ऑब्जेक्ट कोड को और लाइब्रेरी फाइल को, दोनों को कंबाइन करके एक ही फाइल में बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड। उसके बाद वो लोड होता है मेमोरी में और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका जो पहला है पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट इसमें आ जाता है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग आ सी प्रोग्राम। सी के प्रोग्राम को आप क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। पहले तो इंटरफेस जिसको हम C++ का IDE कहते हैं, इंटरफेस वो ओपन करते हैं, उसमें प्रोग्राम आप टाइप करते हैं, उस टाइप करने के प्रोसेस को आप कहेंगे क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। उसमें प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सी प्रोग्राम इज नोन एज एडिटिंग। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, कि जिसमें आप इंटरफेस के अंदर आप प्रोग्राम टाइप करें उसको आप एडिट करें, या प्रोग्राम जब लिखते हैं पूरा एक उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो इसको पहला स्टेप इसमें आ जाएगा। सेकंड स्टेप इसमें आ जाता है सेविंग अ प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ सी प्रोग्राम ऑन द डिस्क इज नोन एज सेविंग। जब हार्ड डिस्क में उसको हम सेव करते हैं प्रोग्राम को, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेविंग, कि जिसमें उसके लिए शॉर्टकट की आम रूटीन में F2 यूज होती है प्रोग्राम को सेव करने के लिए। जैसे आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे या फाइल के अंदर सेव पर क्लिक करेंगे तो एक सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहां पर आप नाम उसका टाइप करके जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो उसमें सी के फोल्डर के अंदर वो सेव हो जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद आप बार बार उसको चला सकते हैं। इसमें दो एक्सटेंशन में फाइल सेव होती है, एक होती है .c, एक होती है .cpp। .c जो है ये सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए होती है और .cpp जो है ये C++ के लिए होती है। तो उसमें जब आप प्रोग्राम सेव करते हैं तो .c से आप उसको सेव कर सकते हैं, .cpp से भी अगर सेव हो जाए तो भी प्रोग्राम नॉर्मली रन हो जाता है। तो इसमें प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ सी प्रोग्राम ऑन द डिस्क, यानी डिस्क से मुराद हार्ड डिस्क, इज नोन एज सेविंग। प्रोग्राम शुड बी सेव्ड ऑन द डिस्क टू बी यूज रैपिडली। बार बार हम उसको, जब एक प्रोग्राम आप सेव कर लेंगे तो बार बार आप उसको ओपन करके रन कर सकते हैं। सी प्रोग्राम्स आर सेव्ड विद .c एक्सटेंशन। तो फाइल का नाम जो भी आप दे देंगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .c होगी। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू सेव अ प्रोग्राम। पहला क्या है, फाइल के मेन्यू में सेव पर क्लिक कर दें या फिर F2 की प्रेस करेंगे तो उसमें सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसमें आप फाइल सेव कर सकते हैं। थर्ड इसमें आ जाता है कंपाइलिंग आ प्रोग्राम। कंपाइलर का रिसेंटली आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि कंपाइलर जब आप कंपाइल करते हैं फाइल को, प्रोग्राम जो लिखा होता है ये इंग्लिश में लिखा होता है, कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता, तो कंप्यूटर ने क्या करना होता है, उसको रिप्लेस करना होता है, किसमें उसको चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज से, और उसमें इंग्लिश के जो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं सी लैंग्वेज की, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। तो इसमें द
The process of converting source program into object program is known as compiling. उसको compiling कहा जाएगा. Program saved with .c extension contains statement of C language. जो आप program save करेंगे .c से, उसमें तो English में statement लिखी होती है C language में, लेकिन उसको object code में वो convert करेगा. फाइल का नेम वही रहेगा लेकिन उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी .obj. जैसे अगर आप उसमें प्रोग्राम का नाम आप रख देते हैं उसमें फर्स्ट, तो जब आप सेव करते हैं तो उसमें नाम होगा उसका फर्स्ट .c, लेकिन जब आप कंपाइल कर लेंगे उसको तो अलग से एक फाइल जनरेट हो जाएगी फर्स्ट .obj. कंपाइलेशन उस सूरत में होगी अगर उस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा. अगर एरर होगा तो वो एरर डिस्प्ले करेगा. तमाम एरर्स पहले आप ख़त्म करेंगे उसके बाद उसकी कंपाइलेशन होगी. ये प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं. उसमें कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सेव इट इनटू अ सेपरेट फाइल. द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव्ड विद .obj एक्सटेंशन, उसमें स्टोर करेगा. सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ इट कंटेन्स सिंटैक्स एरर्स. ऑल एरर्स मस्ट बी रिमूव टू सक्सेसफुली कंपाइल अ सोर्स प्रोग्राम. इसका प्रोसीजर क्या है? कंपाइल के मेन्यू में कंपाइल पर क्लिक कर लें या alt F9, F9 जो की है F1 से F12 तक जो फंक्शन कीज होती हैं, तो उनमें से F9 की आप प्रेस करेंगे alt के साथ. जो alt का बटन होता है कीबोर्ड पर वो प्रेस किए रखेंगे, साथ में F9 प्रेस करेंगे तो वो फाइल को कंपाइल करेगा. कंपाइलेशन के बाद इसमें आ जाता है एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूट करने से पहले उसमें उसको लिंक करता है, तो उसमें लिंकर का जो प्रोसेस है, इसमें लिंकिंग का, कि उसको लिंक करना. लिंक करने के लिए पहले उसमें लिंकिंग का जो प्रोसेस आता है, इसको फॉर देखते हैं. कंपाइलेशन तक हमने पढ़ लिया, अब इसमें लिंकिंग का जो प्रोसेस आएगा कि प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अ लाइब्रेरी फाइल विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज लिंकिंग. देखिए सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसमें जो सी स्टेटमेंट्स हैं, जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं, उनकी उन फंक्शंस की डिटेल स्टोर होती है लाइब्रेरी फाइल्स में. लाइब्रेरी फाइल्स को जब तक साथ में आप ऐड ना करें उस वक्त तक वो उसको समझ नहीं सकता. जैसे इंग्लिश की बुक है तो उसमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनकी डिटेल होती है इंग्लिश की जो डिक्शनरी है उसमें. अगर डिक्शनरी साथ में बुक के ऐड कर देंगे तो उसको रीड करना पढ़ना आसान होगा. इसी तरह प्रोग्राम के जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस की डिटेल लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद होती है. वो लाइब्रेरी फाइल जब तक साथ में अटैच नहीं होगी तो कंपाइलर नहीं समझ सकेगा कि इस फंक्शन का जो नाम है लिखा हुआ, जैसे प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ की जो डिटेल है कि क्या, अगर प्रिंट एफ लिखा हुआ हो तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसकी डिटेल उसकी लाइब्रेरी फाइल में मौजूद होती है. तो लाइब्रेरी फाइल्स को जब तक साथ में अटैच ना करें उस वक्त तक एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल जब बन जाती है तो वो होता तो मशीन कोड में है लेकिन नॉन एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड होता है. क्यों? कि वो है तो मशीन कोड में लेकिन उसको वो एग्जीक्यूट हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके में फंक्शंस की जो डिटेल है वो उसके साथ अटैच नहीं होती. तो कंपाइल जब हो जाता है तो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, उसके बाद जब लिंकर है, लिंकर ने लिंक करना है ऑब्जेक्ट फाइल और उन लाइब्रेरी फाइल्स को कंबाइन करके किसमें स्टोर करेगा, एक अलग से थर्ड फाइल जनरेट करेगा जिसको .exe फाइल हम कहेंगे. उसके बाद वो फाइल एग्जीक्यूट होगी. तो इसमें प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अ लाइब्रेरी फाइल विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज लिंकिंग. दीज फाइल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट. अ लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. अ प्रोग्राम दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज नोन एज लिंकर. तो उसमें लिंकर से एडिशनल, ये भी C++ कंपाइलर का पार्ट है कि कंपाइलर के अंदर ये मौजूद होता है लिंक करना.
तो उसमें इनहांस्ड कोड एक बन जाता है, एक ऐसी फाइल जनरेट हो जाती है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी है, यानी सोर्स कोड को पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, ऑब्जेक्ट जो मशीन कोड में है वो भी शामिल है, साथ में उसकी लाइब्रेरी फाइल भी अटैच होगी। तो लिंकर जनरेट एरर मैसेज इफ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट, अगर लाइब्रेरी फाइल नहीं है तो फिर वो एरर जनरेट करेगा क्योंकि प्रोग्राम उसके बगैर रन नहीं होगा। अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड विद डॉट ई एक्स ई एक्सटेंशन। लिंक जब कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो एक्सई फाइल जनरेट हो जाएगी। इफ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज सक्सेसफुल द फाइल इज नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉट एक्सई फाइल जनरेट कर देगा। और लिंक करने के लिए कंपाइल के अंदर लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। फाइव इसमें आ जाता है एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नोन एज एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। जब exe फाइल बन गई अब उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। exe फाइल एग्जीक्यूट जब होगी तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोग्राम लोड होगा, उसके बाद प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी या इनपुट होगी जो भी वो गेट करेगा, जो प्रोसेस आपने उसमें मेंशन किया होगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इस exe फाइल को अगर आप किसी और प्रोग्राम पर भी किसी और कंप्यूटर पर भी अगर आप रखते हैं तो भी वहाँ पर रन हो सकती है, लेकिन अगर सोर्स फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल उस किसी और कंप्यूटर पर रखते हैं तो उसमें C++ का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लेकिन एक्जी फाइल के लिए C++ का सॉफ्टवेयर होने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोग्राम की एक्जी फाइल जो होगी वो रन होगी, हर कंप्यूटर पर रन हो सकती है। प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन टू द मेमरी टू एग्जीक्यूट। प्रोग्राम दैट प्लेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमरी इज नोन एज लोडर। प्रोग्राम कैन बी लोडेड इन द मेमरी बाय सेलेक्टिंग रन के मेन्यू में आपने रन पर क्लिक कर देना है या फिर कंट्रोल एफ नाइन। अच्छा, इसमें कंट्रोल एफ नाइन की जो शॉर्टकट की है आपने ये जहन में रखनी है, क्योंकि जब आप सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो कंट्रोल एफ नाइन प्रेस करेंगे, इसमें कंपाइल भी हो जाता है, लिंक भी हो जाता है और एग्जीक्यूट, ये तीनों एक्शन इकट्ठे इसकी मदद से परफॉर्म हो सकते हैं। इस वजह से आम रूटीन में जब हम प्रोग्राम प्रैक्टिकली तौर पर करते हैं तो उसमें प्रोग्राम टाइप करने के बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद डायरेक्टली आप कंट्रोल एफ नाइन प्रेस करते हैं तो उसमें वो एग्जीक्यूट हो जाता है, कि उसमें एक्जी फाइल आ गया उसमें। अच्छा, इसमें एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम वही दोबारा आ गया उसमें इमेज। तो आप देखिए, पहले सोर्स कोड आपने सेव किया, उसके बाद जब कंपाइल हुआ तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कोड, लाइब्रेरी फाइल एडिशनली उस सॉफ्टवेयर के अंदर सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर पहले से मौजूद होती हैं, उनको वो दोनों को लिंक करता है और एक्जी फाइल बना देता है। एक्जी फाइल फिर आगे लोड होती है और प्रोग्राम इस तरह एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था उसमें कि किस तरह सी का प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट फिर आगे हम आगे जो फर्दर टॉपिक होंगे उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।